सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले इस फोटो को अपने स्नैपसीड में शेयर कर लेंगे। तो यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन पे आएंगे और स्नैपसीड में शेयर कर लेंगे। स्नैपसीड में आने के बाद से यहाँ से टूल्स वाले ऑप्शन पे आएंगे। टूल्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद से यहाँ से पहले वाले ऑप्शन पे आएंगे जो दिख रहा है। यहाँ से पहले वाले ऑप्शन पे आने के बाद से स्क्रॉल करेंगे और इस वाले ऑप्शन पे आएंगे और इसे प्लस में रखेंगे। प्लस में रखने के बाद से यहाँ से नीचे आएंगे, फिर हाईलाइट को कम कर देंगे और उसके बाद से नीचे आएंगे शैडो, शैडो को प्लस में रखेंगे, इसे प्लस 50 कर देते हैं। उसके बाद से यहाँ से सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। फिर आएंगे अपने शेयर वाले ऑप्शन पे, यहाँ से शेयर करेंगे इस पिक को लूमी ऐप में। इस पिक को इस वाले ऐप में शेयर करेंगे। यहाँ से शेयर कर लेते हैं। शेयर करने के बाद से कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो आपने शेयर की थी पिक, उसे ले लेते हैं। यहाँ से हमने इस पिक को ले लिया है। उसके बाद से आएंगे अपने एडजस्ट सेल वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ से आ जाते हैं और यहाँ से आपको लाल पीला कुछ भी कलर नीला वाला सब दिख रहा है नीचे के साइड में ये। तो इसे आएंगे, इसे प्लस में करेंगे और इसे सिचुएशन को माइनस में रखेंगे और इसे प्लस में रखेंगे ब्राइटनेस को। फिर आएंगे दूसरे वाले कलर पे, उसके बाद से इसे प्लस में रखेंगे और इसे माइनस में रखेंगे और इसे भी प्लस में कर देंगे। और आएंगे अपने थर्ड वाले ऑप्शन पे, जो कलर है इसे माइनस में रखेंगे और इसे भी माइनस में रखेंगे, इसे भी माइनस में। अब आएंगे चौथे वाले ऑप्शन पे, फोर वाले, इसे भी माइनस में रखते हैं, इसे भी माइनस में और इसे भी माइनस में कर देते हैं। उसके बाद से यहाँ से इतना सब कुछ करने के बाद से फिर आएंगे यहाँ से इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे, जो यहाँ से दिख रहा है। उसके बाद से लाइट वाले ऑप्शन पे आएंगे। लाइट वाले ऑप्शन पे आने के बाद से यहाँ से अपनी लाइट को चूज कर सकते हैं, कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं। तो यहाँ से कोई भी अपनी लाइट चूज कर सकते हैं। तो यहाँ से ये वाली लाइट ले लेते हैं हम। उसके बाद से इसे साइड से लगा देते हैं। उसके बाद से यहाँ से तीर वाला ऑप्शन दिख रहा है जो डाउनलोड का, इसे डाउनलोड करेंगे तो हमारा फोटो सेव हो जाएगा। उसके बाद से इस फोटो को फिर वापस अपने स्नैपसीड में ले चलेंगे। तो यहाँ से शेयर कर लेते हैं। शेयर करने के बाद से स्नैपसीड में आएंगे। यहाँ से स्नैपसीड में आ चुके हैं। फिर टूल्स वाले ऑप्शन पे आएंगे। टूल्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद से यहाँ से आएंगे जो ड्रामा वाला ऑप्शन दिख रहा है ये बादल वाला, इस वाले ऑप्शन में आएंगे। उसके बाद से इसे इतना रखेंगे और इसे हल्का सा कम कर देंगे, -10 पे रखेंगे। फिर वापस यहाँ से सही वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सही वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद से फिर टूल्स वाले ऑप्शन पे आएंगे। टूल्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद से यहाँ से पोर्ट्रेट में आएंगे। तो कुछ इस तरह का इसे प्लस में रखेंगे और इसे फुल कर देंगे और इसे भी प्लस में रखेंगे, +25 कर देंगे। उसके बाद से यहाँ से सही वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर आएंगे अपने इस वाले ऑप्शन पे जो दिख रहा है डिटेल वाले ऑप्शन पे। डिटेल वाले ऑप्शन पे आने के बाद से इसे प्लस में रखेंगे हल्का सा और इसे भी प्लस में रखेंगे और यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद से अपनी पिक को शेयर कर लेंगे स्केच बुक के अंदर। तो यहाँ से स्केच बुक के अंदर शेयर कर लेते हैं अपनी पिक को। स्केच बुक के अंदर शेयर करने के बाद से इसे हम लोग स्मूथ करेंगे। तो इस वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से सेटिंग वेटिंग देख सकते हैं आप सब कितना पक किया हुआ है। और उसके बाद से यहाँ से स्मूथ करने स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से अपना
ब्रश का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं लेफ्ट साइड पे करके। तो यहाँ से हम लोग ब्रश का साइज बड़ा कर लेते हैं, कुछ इस तरह का स्मूथ होने लगेगा। इसे शेयर कर लेंगे, यहाँ से शेयर करेंगे अपने स्नैपशीट के अंदर। यहाँ से स्नैपशीट के अंदर आ चुके हैं और इसे आएंगे पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन और इसे स्मूथ को फुल कर देंगे। और यहाँ से सही वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, कुछ इस तरह का फोटो एडिट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना भाई लोग। हम लोग अच्छे से पोर्ट्रेट अच्छे से फेस स्मूथ नहीं किया है क्योंकि आपको बताने के लिए जल्दी जल्दी में किया है, तो और आप भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं।